सो गाइस पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, आईपीएल 2021 का बिल्कुल बज चुका है और गाइस यहां पे होने वाला है 19 सितंबर से आईपीएल 2021 का सेकंड फेज खेला जाएगा। और गाइस आज के इस वीडियो में आईपीएल 2021 से रिलेटेड और साथ में जो कि मेगा ऑक्शन होने वाला है उससे चेन्नई की जो कि रहने वाली है रणनीति उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस काफी डिटेल वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो अभी लेके पूरा एंटायर एंटर देखेगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे जो 15,000 सब्सक्राइबर है वो बेहद करीब है। सो गाइस फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा और गाइस इंस्टाग्राम में 15,000 सब्सक्राइबर पे कुछ होने वाला है स्पेशल। सो गाइस वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फटाफट जाइए वहां पे हमें फॉलो करिए और गाइस फाइनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में जो कि आईपीएल 2021 से रिलेटेड और साथ में मोइन अली से रिलेटेड निकल के आ रही है और गाइस ये निकल के आ रही है एमएस धोनी की तारीफ को लेके। अब आप सभी लोगों को पता है कि आईपीएल 2021 के फर्स्ट फेज में यहां पे मोइन अली ने खूब महफूल लूटा था, लेकिन गाइस यहां पे मोइन अली ने पहली दफा आईपीएल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है जब से वो आईपीएल में पार्टिसिपेट किए थे। पहले वो आरसीबी की टीम में थे तब भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बात करें तो चेन्नई की तरफ से खेलते हुए पहले फेज में यहां पे मोइन अली ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और गाइस इसका जो पूरा क्रेडिट है वो उन्होंने एमएस धोनी को दे दिया है। हां गाइस ये काफी बड़ी इन्होंने बात कही है, काफी अच्छी तारीफ करी और गाइस जो भी इनका परफॉर्मेंस निकल के आया है वो पूरा हकदार इन्होंने एमएस धोनी को बताया। उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी ने लगातार मुझे बैक किया था जिसके वजह से मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस आईपीएल में वो सामने निकल के आया और आज मैं इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस दे पाया चेन्नई के लिए पहले फेज में वो मैं देने में कामयाब हुआ। और गाइस इसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया था कि वो सेकंड फेज में भी तैयार है, यानी गाइस इसका साफ साफ ये मतलब है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि मोइन अली सेकंड फेज में खेल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने कल वीडियो बनाई थी यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा डायरेक्शन वहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है और गाइस ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी सोच रही है कि उन प्लेयर्स को आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबलों में भेजा ही जाए। और गाइस लेकिन अभी तक की न्यूज यही है कि मोइन अली का जो प्रदर्शन है वो एमएस धोनी के ही वजह से यहाँ पे निकल के आया है। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज की तरफ से और गाइस भी आईपीएल 2021 से नहीं आईपीएल 2022 से रिलेटेड है। हाँ गाइस आप सभी लोगों को पता है कि आईपीएल 2022 में 10 टीमें आने वाली हैं और ऐसे में बात करें तो यहाँ पे प्लेयर्स की जो संख्या है वो थोड़ी सी इंडियन प्लेयर्स की कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो कि रूल्स हैं वहाँ पे 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं और 7 यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स खेल सकते हैं। इसके मदद से यहाँ पे इसकी मदद से यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाया जाता है, लेकिन गाइस यहाँ पे बीसीसीआई कुछ चेंजेस करती हुई नजर आने वाली है और आईपीएल 2022 में जब 10 टीमें आ जाएंगी तो यहाँ पे बीसीसीआई सोच रही है कि 5 फॉरेन प्लेयर्स का रूल लाया जाए। हाँ गाइस यहाँ पे सभी टीम अब यहाँ पे 5-5 फॉरेन प्लेयर्स को मौका दे सकती है अपने प्लेइंग 11 में। ये रूल सभी फिलहाल बीसीसीआई के सामने रखा गया है और गाइस जब यहाँ पे 9वीं-10वीं टीम आएगी और जब आईपीएल 2021-22 का जब मेगा ऑक्शन होगा उससे पहले ये सब रूल्स अप्लाई किए जाएंगे कि आखिर क्या होने वाला है और उसी के हिसाब से जो सभी टीमें जो कि 8 विदेशी खिलाड़ी अपनी टीम में स्क्वाड में रह सकती हैं वो हो सकता है कि 10 विदेशी खिलाड़ी रखती हुई नजर आ सकती हैं। और गाइस इस तरीके से ये कुछ न्यूज है जो कि सामने निकल के आ रही है। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं तीसरे न्यूज के और गाइस ये निकल के आ रही है आईपीएल 2022 के मेगा ऑप्शन रिलेटेड। अब यहाँ पे काफी लोगों का ये क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है कि क्या भाई जो अंबती रायडू है वो क्या आईपीएल 2022 के मेगा ऑप्शन से रिलीज हो जाएंगे। सो गाइस इस पे मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे अंबती रायडू भी रिलीज होने वाले हैं। हाँ गाइस ये पूरी तरीके पे कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे जो मेगा ऑप्शन के रूल्स जो सामने हैं वहां पे साफ साफ ये पूरी तरीके से जायज है कि अंबती रायडू रिलीज होने वाले हैं। उसके बाद मेगा ऑप्शन में फिर चेन्नई ने खरीदने की कोशिश करने वाली है, लेकिन फिलहाल की बात यही है कि यहाँ पे जो कि अंबती रायडू है वो रिलीज होने वाले हैं। और गाइस ये जो कमेंट है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो आपके भी दिमाग में जो भी आ रहे होंगे सवाल जो सवाल अभी उठ रहे होंगे आईपीएल से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई अगले वीडियो में ला के दे दूंगा। लेकिन गाइस अभी तक की बात यही है कि अंबती रायडू भी आईपीएल 2021-22 से पहले जो कि मेगा ऑप्शन होने वाला है वहां पे रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं अगले न्यूज के बारे में और गाइस ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में रिलेटेड। हाँ गाइस यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे चेन्नई 5 खिलाड़ियों को रखने वाली है, बाकी 20 खिलाड़ियों को छोड़ने वाली है क्योंकि मेगा ऑक्शन होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे चेन्नई जो प्लानिंग बना रही है आईपीएल 2022 के जो कि प्लेयर्स को खरीदना है जिसकी प्लानिंग अभी से बनना स्टार्ट हो चुकी है और गाइस इनका साफ साफ प्लान है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े खिलाड़ी है जो है
हैवी खिलाड़ी है जिनका बिग नेम है, अब उन्हें अपने टीम में लाने की कोशिश करने वाली है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार जब मिनी ऑक्शन हुआ था आईपीएल 2021 से पहले, तो वहां पे आपने नजर डाला होगा कि यहाँ पे मैक्सवेल के पीछे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे, यहाँ पे क्रिस मॉरिस के पीछे चेन्नई सुपर किंग लगातार बोली लगा रही थी, लेकिन पर्स वैल्यू उनका छोटा था जिसकी वजह से ये उन खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाए थे। और गाइस इससे साफ साफ ये अंदाजा है कि आईपीएल 2022 में वो जो मुरादें इनकी छूट गई थी वो फाइनली ये पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में ये बड़े बड़े और हैवी प्लेयर्स को अपनी टीम में खरीदने वाले हैं जो कि चेन्नई के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। और गाइस इस तरीके पे धोनी को भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि जब बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी आएंगे तो धोनी को कप्तानी करने में आसानी होगी और ये अपने प्लेयर्स को काफी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। और गाइस इस तरीके से मेगा ऑक्शन में इस बार होने वाला है चेन्नई का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, जो कि इस बार देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस ये थी कुछ न्यूज जो कि सामने निकल के आई थी, और आपके दिमाग में भी जो क्वेश्चन होंगे आप इजी वे में जाइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कल उसकी भी लाके आपको आंसर बता दूंगा। सो गाइस फाइनली आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।